देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए फटाफट से बता देते हैं आपको हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की 4 साल की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला था। चौटाला ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि वो पहले ही इस मामले में 5 साल की सजा काट चुके हैं, जबकि कोर्ट का कहना था कि दोष दो अलग अलग मामलों में है। संपत्ति रखने का आरोप था। सजा पर रोक लगाने वाली चौटाला की याचिका पर सीबीआई ने विरोध दर्ज किया है। हिसार जिले की हांसी तहसील के आदर्श नगर में आज सुबह एक वकील के घर में घुसकर उसकी मां और पत्नी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। 4 हमलावरों ने वारदात को सुबह करीब 6:45 बजे घर में घुसकर अंजाम दिया, जबकि वकील बंटी यादव ने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई। बताया जा रहा है कि हमलावरों के साथ वकील का कोई प्लॉट विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों के जाने के बाद बंटी ने पड़ोस से किसी की गाड़ी मांग कर अपनी माँ गीता और पत्नी सुप्रिया को हिसार के निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल 7 और 8 अगस्त को रोहतक के दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे लोकसभा प्रवास योजना के तहत होगा। सोनोवाल के आने की तैयारियों को लेकर रोहतक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई है। अगली खबर अंबाला से है, जहां जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को ही 67 मामलों की यहां पुष्टि हुई है। चिंता की बात यह है कि संक्रमित मिले मामलों में 5 बच्चे भी हैं, जो 12 से 18 साल के बीच के हैं। इसी तरह फिर से संक्रमण का फैलना बच्चों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रेवाड़ी में भी 24 घंटे में 9 मामले सामने आए हैं। हाँ, फिलहाल किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है, लेकिन चिंता इस बात की है कि सैंपलिंग घटने के बाद भी यहाँ पॉजिटिव केसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। करनाल में प्रशासन द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बावजूद इसके जिले में 85 अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। करनाल के डीटीपी आरएस बाठ ने बताया कि ड्रोन से सर्वे कराया गया, जिसमें पता चला है कि जिले में 45 कॉलोनियां ऐसी हैं जो नगर पालिका और नगर निगम से बाहर हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छात्र युवा संघर्ष समिति के युवाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने मांग रखी कि तुरंत प्रभाव से उनकी छात्रवृत्ति जारी की जाए। 2-3 साल से छात्रवृत्ति रुकने के कारण स्टूडेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मंगलवार को गुरुवार की पाम हिल सोसाइटी में हुए हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी गई है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव का कहना है कि हादसे में मारे गए मजदूरों और घायल मजदूरों को 2 दिन में मुआवजा राशि भी दे दी जाएगी। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप जेलदार ने इस मामले को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की और मजदूरों को न्याय दिलाने की भी बात कही है। बहादुरगढ़ से आए दिन शिकायतें आती रहती हैं कि श्रमिकों की सुरक्षा के कोई पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन बेपरवाह प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं लेता। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है गांव रोहद औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को। एरोफ्लेक्स लिमिटेड के श्रमिकों को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें बिना सेफ्टी किट के ही टैंक में उतार दिया गया। इस दौरान एक श्रमिक बेहोश हो गया। सुखना लेक पर वाटर स्पोर्ट्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इसमें भारतीय टीम भी भाग लेने के लिए बुधवार को सुखना लेक पहुंच चुकी है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस बात से सोनीपत के लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि सोनीपत से 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं और पूरे हरियाणा से 9 बेटियां भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो ये थी हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। फिर होंगे हाजिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश रोजाना और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।